गूगल एयरटेल में $1 अरब तक का करेगा निवेश। एयरटेल ने शुक्रवार को घोषणा की कि गूगल अपने गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के हिस्से के रूप में दूरसंचार प्रमुख में $1 बिलियन तक का निवेश करेगा। इस सौदे में गूगल ने एयरटेल में 1.28% स्वामित्व हासिल करने के लिए $700 मिलियन तक का निवेश और संभावित बहुवर्षीय वाणिज्यिक समझौतों के लिए $300 मिलियन तक का निवेश किया है। यह पूरे भारत में व्यवसायों के लिए क्लाउड इकोसिस्टम को गति देने में मदद करेगा। भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का करेगा निर्यात। भारत ने शुक्रवार को निर्यात के लिए $375 मिलियन लगभग 2770 करोड़ रुपए का सौदा किया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें फिलीपींस को निर्यात की जाएंगी। भारत और फिलीपींस ने शुक्रवार को तट आधारित एंटी शिप मिसाइल सिस्टम अधिग्रहण परियोजना के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली निर्यात खेप को औपचारिक रूप देगा, जिसे संयुक्त रूप से मॉस्को के साथ विकसित किया गया है। दो फेज में खेले जाएंगे रणजी ट्रॉफी के मैच, बीसीसीआई सचिव जय शाह ने की घोषणा। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने पुष्टि कर दी है कि रणजी ट्रॉफी को दो भागों में आयोजित किया जाएगा। एएनआई से बात करते हुए जय शाह ने कहा, बोर्ड ने इस सीजन में दो भागों में रणजी ट्रॉफी आयोजित करने का फैसला किया है। पहले चरण में हम लीग चरण के सभी मैचों को पूरा करने की योजना बना रहे हैं, जबकि नॉकआउट जून में होंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा और सपा पर लगाया मिलीभगत का आरोप। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल जोर शोर से जुटे हैं। पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर रही हैं। इस बीच नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा और सपा पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए दोनों पर यूपी के चुनाव को नफरती रंग देने की कोशिश का आरोप लगाया है। मायावती ने शुक्रवार को अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, यूपी विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से धर्म व जाति की राजनीति हावी है व मीडिया में भी ऐसी खबरें भरी पड़ी रहती हैं, उससे ऐसा लगता है कि यह सब सपा व बीजेपी की अंदरूनी मिलीभगत के तहत ही हो रहा है और वे चुनाव को हिंदू मुस्लिम व जातीय नफरती रंग देना चाहते हैं। जनता सतर्क रहे।